गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लेजेंडरी कलेक्टर। टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। गाइस आज मैं रिव्यू करूंगा ये मार्वल्स रेस्क्यू हल्क बिल्ड अ फिगर वेव से। मैं इस एक्शन फिगर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली ये एक्शन फिगर के साथ टू एसेसरीज आती है, और जब मैंने कई सारे मैंने वीडियोज़ देखे तो उनमें भी ये एसेसरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मैंने बोला कि भाई सबसे पहले मैं इस वाले एक्शन फिगर को रिव्यू करूंगा नेक्स्ट। और वैसे भी एक्शन फिगर के साथ हल्क का बिल्डर फिगर पीस जो है वो टॉर्सो आता है, बहुत अच्छा एक्शन फिगर है ये। तो पहले हम लोग पैकिंग के पास देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम फिगर के पास देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अवेंजर्स, यहाँ पर है मार्वल्स रेस्क्यू, यहाँ पर है एक हैसब्रो का लोगो, यहाँ पे ऊपर लिखा है लेजेंड सीरीज और बिल्ड अ फिगर हल्क। यहाँ पे एक अवेंजर्स का सिंबल है। वैसे मेरे को लगा था कि भी यहाँ पे खाली होगा हमेशा की तरह, पर नहीं, यहाँ पे अवेंजर्स का एक सिंबल है। उसके बाद यहाँ पे साइड में रेस्क्यू की एक इमेज है, फिर सेम इमेज दूसरी साइड पे है। ये थोड़ा सा मेरे से पैकिंग डैमेज हो गया जैसे ही मैंने ओपन किया फिगर को। फिर यहाँ पे रीडअप है, मैं आपको रीडअप पढ़ के मैं दिखा दूँगा अभी आपको। एक और इमेज था यहाँ पे इस सेक्शन फिगर का, पर वो मैं आपको दिखा नहीं सकता एक्चुअली, ये बड़ा सा स्टिकर लगा हुआ है यहाँ पे। चलो तो मैं आपको ये रीडअप पढ़ के दिखाता हूँ। फ्रॉम CEO ऑफ स्टार्क इंडस्ट्रीज टू पावर्ड बाय स्टार्क टेक, Pepper Potts protects world order in her own rescue suit designed by Tony Stark। ये यहाँ पे रीडर पे लिखा हुआ, और यहाँ पे बाकी फिगर्स का वो है इमेज है जो कि इस वेव से है। मैंने ये वाला भी बाय कर लिया है, शूरी का एक्शन फिगर भी मैं बाय कर चुका हूँ, पर मैं रिव्यू थोड़ा सा बाद में करूँगा। अभी मैं रिव्यू नहीं करूँगा, अभी पहले मैंने बोला कि रेस्क्यू रिव्यू करूँ। एक्चुअली मैं इस फिगर के लिए बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है पैकिंग में देखने के लिए, तो बिना किसी देरी के हम इसे अनबॉक्स कर देते हैं। यार सारा पैकिंग ही हट गया, चलो कोई बात नहीं है कि यहाँ पे एक अवेंजर्स का लोगो है, और इसको मैं पैकिंग के परे रख देता हूँ। फिर ये भी यहाँ पे कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंट पैकिंग है कवरिंग। फिर ये मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ कहाँ पे था, ऐसे था ये, इस तरीके से आया था ये फिगर आया है मतलब। और ये जो है इसके बैक में ये एक अलग सा पीस है लगाया हुआ, ये एक एसएसटी है। और फिर उसके बाद ये रहा, अब मैं यहाँ से सब मेरे को निकालना पड़ेगा। निकल जाए यार, बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड हो। मैंने जितने जब मैंने बेटा रेबल का एक्शन फिगर रिव्यू किया वो भी बहुत टाइटली पैक था। बस एक लोकी रॉक पाइथन एंड यूनियन जैक का एक्शन फिगर ही था जिनकी मतलब पैक जो इतने टाइट तरीके से पैक नहीं थे, बाकी तो सारे बहुत टाइटली पैक्ड हैं। चलो ये भी निकाल दिया हमने, अब मेरे को निकालना है ये भी निकल गया, अब इसका भी कोई काम नहीं, तो फिर मैं इसको फेंक देता हूँ। अब हमें निकालना है अपना ये अमेजिंग एक्शन फिगर। निकल ही नहीं रहा यार, ये भी हमेशा की तरह टाइटली पैक्ड है, निकल जाएगा। ऐसे थोड़ा सा निकल गया, एक पैर ही बाहर निकला, अभी तो थोड़ा सा ही निकला है, अभी एक ही पैर बाहर निकला है। अभी मेरे को पूरा फिगर बाहर निकालना है। सबसे पहले अब मैं हेड निकाल देता हूँ, हेड भी बाहर निकाल दिया मैंने। अब मैं बाहर निकालूंगा आर्म्स, और ये मैंने आर्म्स भी बाहर निकाल दिए। मैं बाहर निकाल दूंगा, और ये हमारा एक्शन फिगर बाहर आ चुका है पैकिंग से। मैं इसे फेंक देता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फिगर है, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जो मैं आपको एक
जो मेरे को आपको एक बात बतानी थी इस फिगर के बारे में, जो मेरा मैंने जो फिगर ऑर्डर किया है इसका जो ये लेफ्ट लेग है, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये थोड़ा सा ये लूज है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ ये जो जैसे जो थोड़ा लेग जो लूज है, पर बाकी कोई बात नहीं, जैसा मर्जी है ठीक है। और एक्सेसरीज में देखे तो सबसे पहले इसके साथ आया है एक बिल्डर फिगर हल्क का, जो पीस है वो है टॉर्सो हल्क का, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने जो जो मेरा एक और एक्शन फिगर बचा है वो भी मैंने बाय कर लिया है, और वो भी मेरे पास है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए भी मैंने एक्शन फिगर बाय कर लिया है, तो मेरा हल्क भी कंप्लीट हो जाए हो जाएगा, आपको जल्दी से वीडियो भी मिल जाएगी कि हल्क बिल्डर फिगर रिव्यू वाली, तो उस वीडियो में मैं आपको ये अच्छे से दिखाऊंगा। अभी मैं इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा एक्चुअली, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, ये मैं आपको तब अच्छे से दिखा दूंगा जब मैं हल्क रिव्यू करूंगा। मैं जल्दी से इस फिगर को, बाकी जो इस फिगर के साथ जो एक्सेसरीज आई है उनके पास देखता हूँ। ये सबसे पहले ये जो है, ये है क्या मेरे को नहीं समझ में, अच्छा अब मेरे को समझ में आ गया है कि ये जो है ये यहाँ पे इसके बैक में लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि पेग होल है, और जैसे स्टॉप मोशन वगैरह जब आप बनाते हो तो यहाँ पे देखो ऐसे है, और ये जो दूसरी जो एक्सेसरी है वो एकदम सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना है ये जो है इसके जो ये क्लोज है कुछ पार्ट्स, और यहाँ पे बस ये ओपन है, बस फर्क सिर्फ इतना ही है। फिर आप इसे भी ऐसे करके लगा सकते हैं, और ये है इसका ये जो एक्सेसरीज है। अब हम देखते हैं अपने इस फिगर के पास, तो हेड स्कर्व तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसका, मेटेलिक गोल्डन पेंट, जैसे अगर हम कंपेयर करें इसे अपने आयरन मैन मार्क 85 के साथ, आयरन मैन मार्क 85 पे नहीं इतना अच्छा पेंट नहीं है जितना अच्छा है इस रेस्क्यू आर्मर पे है। हेड बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है, और जो यहाँ पे जो आयरन मैन का जो मार्क 85 आर्मर था, यहाँ पे इसके आईज में ब्लू कलर भी होना चाहिए था, वाइट कलर का एक्चुअली इसकी आईज थी नहीं तो, पर फिर भी यहाँ पे जो ये रेस्क्यू आर्मर है इस पे तो है। पर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये आयरन मैन मार्क 85 है और इसको मैं रेस्क्यू से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, एक्चुअली बात है जब यहाँ पे आप रेस्क्यू में ये मार्बल हैसप्रोप यहाँ पे पेंट ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए था आइस में ना, और यहाँ पे आखिरी एक्टर में तो मैंने खुद ऐड किया है पेंट। और बाकी भी देखे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये फिगर है, बहुत ज़्यादा बढ़िया स्कल्प्टिंग है, बैक में ज़्यादा पेंट नहीं है, एंड आई थिंक कि वैसे भी इस फिगर के बैक में ज़्यादा कुछ पेंट था नहीं। ये लगा देता हूँ 1 मिनट, ये मैं लगा देता हूँ, ये जो इसके साथ एक्सेसरी आई है, अब फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, पर अब ये वैसे भी यहाँ पे कुछ खास पेंट नहीं था एक्चुअली इस आर्मर के बैक में और वैसे भी मैंने जितनी बार भी मतलब एवेंजर्स एंड गेम मैंने मूवी कई बार देखी, और वहाँ पे मैंने देखा है तो बैक में कोई पेंट है नहीं, बस फ्रंट में ही है। ये फिगर मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा है डिटेलिंग में भी, फिर लेग्स पे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग है। अब हम इस एक्शन फिगर के आर्टिकुलेशन के पास देखते हैं। सबसे पहले ये अपना हेड इतना अप देख सकते हैं, थोड़ा सा कम लगा मेरे को एक्चुअली, ये देखिए आप ये जो आयरन मैन मार्क 85 है ये इतना ऊपर तक देख सकता है, इस तरीके का आर्टिकुलेशन सेम इस फिगर के लिए भी हैसब्रो को देना चाहिए था, और बाकी नीचे तो देख ही नहीं सकता है, फिर 360 रोटेट कर सकता है, हेड पिविटिंग है, और अगर मैं आपको दिखाऊं ये इसके जो आर्म्स है वो इतना ऊपर तक जा सकते हैं, बाइसेप्स स्विवल, डबल जॉइंटेड एल्बोस, और फिर ये जो है रिस्ट में अप एंड डाउन हिंज है रिस्ट में, और रोटेशन रोटेशन यहाँ पे रोटेशन है, अब इसके बाद यहाँ पे तो नहीं है अलग आर्टिकुलेशन, नहीं
एकदम सेम आर्टिकुलेशन है। अब यहाँ पे है ये ऐप क्रंच, जो कि इतना बैक जा सकता है और इतना आगे तक जा सकता है, और साइड बाय साइड भी जा सकता है, और 360 रोटेट भी कर सकता है, इतना आगे तक ये रेस्क्यू आर्म अपना पैर लेकर जा सकता है। फिर डबल जॉइंटेड इसमें एल्बोज हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है एक थाई कट, जो कि ज़्यादा मूवमेंट अलाउ नहीं करता। और यहाँ पे है जो एंकल्स में, जो एंकल में हिंज अप एंड डाउन है। फिर एंकल पिवट भी है ज़रा सा है, और है मतलब एंकल पिवट है, पर वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है। बाकी ये था इस सेक्शन फी, और ये जो अपने लेग्स है इतने स्प्लिट कर सकता है, ये था इस सेक्शन फिगर का आर्टिकुलेशन। ये मैं ये जो इसके साथ है जो ब्लास्टर आया है, ये मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि इसको ये जो जो भी आया है इसके साथ एक्सेसरी में से ब्लास्टर ही कहते हैं, पर अगर मैं आपको लगता है कि इसे ब्लास्टर नहीं कहते हैं और कुछ और कहते हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, इसे ब्लास्टर ही कहते हैं, तो आप तब भी आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर मैं आपको बताऊँ, मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा क्लोज है 100 सब्सक्राइबर्स के, मेरे 81 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, सो हमें बस 19 सब्सक्राइबर्स और चाहिए 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। सो गाइस, अगर हम इसे कंपेयर करें अपने ये लोकी के एक्शन फिगर के साथ, तो एक्चुअली लोकी ने हेलमेट पहना हुआ है, तो हाइट लंबी ही है। और वैसे भी ये जो फीमेल फिगर्स होती है, जो जितने भी फीमेल फिगर्स आते हैं मार्वल एजेंट्स, इनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, इतने मेल फिगर्स की नहीं छोटी होती जितनी फीमेल फिगर्स की होती है। आई थिंक ये फिगर 5 इंच का होगा। अब हम इसे कंपेयर करते हैं आयरन मैन Mark 85 के साथ, और सच कहूँ तो ये दोनों एक्शन फिगर साइड बाय साइड बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसे कंपेयर करते हैं अपने यूनियन जैक के साथ, जो कि इसी वेव से है एक्शन फिगर, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हम इसे कंपेयर करते हैं रॉक पाइथन के साथ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा फिगर है। और हम कंपेयर करेंगे इसे अपने बेटा रिविल के एक्शन फिगर के साथ, तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हाइट डिफरेंस, जो जितना भी हाइट डिफरेंस है इसमें। और अब हम इसे कंपेयर करते हैं कैप्टन अमेरिका के साथ, जो कि बिल्ड अ फिगर थैनोस वेव से है, ये देखिए, ये रहा कैप्टन अमेरिका। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं दोनों फिगर्स भी साइड बाय साइड। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको इस एक्शन फिगर को बाय करना है, तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और वैसे भी हमारा चैनल, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत क्लोज है 100 सब्सक्राइबर्स के, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए कि ये चैनल बहुत ही जल्दी अपने 100 सब्सक्राइबर्स गेन कर लें। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वाला एक्शन फिगर रिव्यू करूँगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये देखिए, ये वाला मैं शूरी का एक्शन फिगर रिव्यू करूँगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल लेजेंडरी कलेक्टर।